Okay, so Karte weg, eigen schuhe liggen. ये बिटरेट को क्या हुआ है? मैंने बोला था वो करने दे, वो वाला काम। एक सेकंड, बिटरेट ड्रॉप हो रहे हैं। अरे 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 अरे, स्ट्रीम फॉरन ऑन हो जाएगी, राइट? स्ट्रीम चल रही है। हाँ, आई नो। नहीं, इसको बता रहा था। स्ट्रीमिंग वाली वीसी में ना आई थिंक उधर चले जाते हैं। अरे 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 अरे, हो जाते वीसी हैं, थोड़ी चालू देर करके क्या लगेगी। करते हैं? बिटरेट हम फिर डिसेंट रख देते हैं कि इतना कि चल जाए, बिल्कुल ओके चले। आई गो फॉर कोई लड़ नहीं रहा ट्विटर पे, मजा नहीं आ रहा। यार, ये बंदा कंट्रोवर्शियल है, कार्तवी की कंट्रोवर्सी खड़ी करेगा ये। कार्तवी सब ठीक है, मगर तुम मिनिमम वेज देते हो। चलो भाई, आई एम बैक। मैंने चेक कर लिया, लाइट वगैरह सही काम नहीं कर रही है। कर दो, मुझे लिंक भी दे दो स्ट्रीम का, मुझे कहीं से दिख नहीं रही यहाँ पे अभी। मुझे पता भी नहीं मेरा कैमरा कौन देख रहा है इस टाइम। Let's start this, boys. Give me a second, मैं यहाँ पे चैट वगैरह सही कर दूँ। ओह, यहाँ पे हैं कुछ लोग। प्लेयर कैसे ऐड होंगे? प्लेयर अब ऐड नहीं होंगे, टूर्नामेंट आई थिंक क्वालिफायर था, ये आगे जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉरवर्ड नाउ। कितनी टीम आई थी वैसे कार्दविक? एग्जैक्ट कितनी? 300? 350 के अराउंड अबाउट टीम्स आई थी, एंड अब वो चेंज हो गया भाई साहब। अब तो टॉप 16 क्वालिफायर, रह गई हैं। टॉप 16 रह गई हैं, लड़कों ने करवा करवा के भाई साहब छांटी। आहो, अच्छा बाय द वे कार्तविक, ये क्या कहते हैं, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय खास टेक गेम्स, और क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली उन्होंने करवा रहे हैं ये टूर्नामेंट वगैरह, सो दिस इज फॉर देम। जस्ट मैं इनको, जस्ट इन केस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो कार्तविक, मेरा ना क्या कहते हैं, फिलहाल थोड़ा आ रहा है बिटरेट का इशू, जो कि आई एम श्योर मेरे इंटरनेट की हवाले से नहीं है। गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे लिखा ये है मेरे ख्याल से, मैं पता क्या, ये मैं डबल स्ट्रीम कर रहा हूँ। हाँ, मैं, बिटरेट इज 5 to 7.4, रिकमेंडेड इज 9500, यहाँ पे आ रहा है। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं रुको जरा, मुझे लग रहा है डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम करने की वजह से हो रहा है। लेट मी टर्न दैट ऑफ फॉर अ वाइल एंड लुक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फिर रजिस्टर लोग, जो जिन लोगों ने रजिस्टर किया, यार ये सैवेज ने रजिस्टर किया था क्या? यार ये क्या कहते हैं, एरो मैनेजमेंट प्लीज जंप इन। कोई चैट में बंदा है, वो कह रहा है जैसे उसको देख लें बस। नहीं, मैं इधर ही हूँ। नहीं जासिम, आपको नहीं कह रहा कि कहीं आओ। अच्छा, यस यस ब्रदर, यस। रियानी अपनी आईडी भी बता देना। हाँ, मेरी क्या कहते हैं, मेरी जो आईडी है, इट्स रेहानी। अच्छा, इन्होंने मुझे ऐड करना है फिर, करना है इस तरह सीना? तो आप इनवाइट करोगे ना? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हाँ यू कर लेते हैं, सही है, मुझे बस लानी है। सो पहले सारे बॉयज वगैरह आते हैं जिन जिन का टूर्नामेंट है, और मैं एक स्टोरी वगैरह लगा दूँ, गिव मी अ सेकंड। और तब तक बेटर रेट भी बेहतर होते जा रहे हैं, या वो बेहतर हो रहे हैं ऐसा ऐसा। मैंने भी थोड़ी देर के लिए डिस्कॉर्ड से ऑफ कर दिया स्ट्रीम।
हेलो जेड टी एक्स रायान भाई साहब, आज रफ बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो भाई प्रिस्वी कहाँ पे प्रिस्वी? हेलो, एम आई डूइंग इट अलोन? ये मैं अकेला कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से लाइव हूँ। नहीं, आई डोंट नो दैट, व्हाट द हेल। वाओ, व्हाट अ कोकास्टर, व्हाट अ कोकास्टर। चला, मैं कंफ्यूज बैठा हूं, अरे मैं तब से कह रहा हूँ मैं लाइव हूँ भाई, मेरे बिटरेट यार क्या हो गया भाई साहब। let me do it right for you, okay Rehani? Yes, go for it, please. Okay. Hello guys, welcome to the stream. Welcome to Arrow Community Cup, and this is probably the first of its kind cup in Pakistan. And today I'm with my co-caster Rehani. Yo, bhai sahab. Okay. It's a good start. 25,000. Let's go. Yo, aaj sabko bhai sahab 25,000 milega. Sabko nahi. Winner ko. Winner ko 25,000 milega. By a khas check, sabse important information. By khas check, this tournament is from sponsored from khas check. So let's start, guys. Shuru kare. Jasim, please tell me, kin ka humne match karwana hai, kin ke saath? Aur kekde versus team aina. Yaar ye. Inko ko bhai naam to sahi rakh lo bhai. Ye kya hai? Ye to acha naam hai. Maine to isse bhi bure dekhe. एक टीम पर्टिकुलर टीम जो अभी ट्विटर पे बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, फेयर नमक, आई थिंक उनका मैच नेक्स्ट, लाइक बहुत वियर नाम इस वक्त टीम्स के नजर आ रहे हैं मुझे। यस, आई थिंक अभी तो कितनी टीम्स हैं जो जा चुकी हैं जिनके नाम सुनने वाले भी नहीं थे। टीम थी जिसके लिए मैं ट्विटर पे रूट कर रहा था, बट सैडली उनको वॉकओवर मिल गया। अच्छा लिसन, मुझे इस नाम के और स्पेलिंग तो बताओ भाई, किसको ऐड करूं? एक बंदे का नाम बता दो ना, मैं ताकि उन्हें ऐड कर दूंगा। इनको तो मैं टाइप कर, मुझे ना यहां से म्यूट कर दो डिस्कॉर्ड से, मैं उधर जाके ना तो आपको मैसेज करता रहता हूं। ठीक है ओके। मैंने किसको म्यूट करना है? कार्तविक को बस, किसी को भी ना करो, मैं उस पीसी में जा रहा हूं। ओके ठीक है ओके। रेट्रो हार्मोनिक, वालेकुम अस्सलाम। प्राइस इज इन फॉर्म ऑफ वॉचर्स, ऐसा है क्या? स्प्रिंट यार तुम लोग के नाम जो है ना, ये जब नाम में तुम एक्स डाल देते ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे प्रोनाउंस होते हैं ये। आई एम रियली सॉरी, स्प्रिंट ही है ना ये, दिस इज स्प्रिंट, यस स्प्रिंट ही होगा मालिक। हैरी प्लेज फियर नमक इज हेयर। यार क्या क्या कितना तुमने डर डाला है, क्या चल रहा है तुम्हारा सीन क्या? फेयर नमक जो है ना, ये मेरे ख्याल से फेयर लेजेंड्स और सॉल्ट ईस्पोर्ट्स का कुछ एमलगम है, दोनों को मिला के किसी ने बनाया ये फेयर नमक। ओके, हाई लेवल खतरनाक प्लेयर्स होंगे इस टीम में, ये मुझे यार एक सेकंड प्रो प्लेयर्स तो अलाउ ही नहीं थे। एक सेकंड, कार्जोविक ने मुझे कहा प्रो प्लेयर्स अलाउ नहीं है। मैनेजर था मेरी तरह भाई, हो सकता है सिर्फ अच्छा खेलते हो, भरम में नाम रखा हो। नहीं, लॉल एक सेकंड। पीडीएफ फाइल्स भी कोई टीम है? ओ भाई, पीडीएफ फाइल हमारे पास। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है हम इनके ना गेम प्ले से ज्यादा इनके नाम एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है? जो इन्होंने रखे हुए ना। ओ भाई, हनी अगर आप चाहो तो आप, हाँ जी, सारे दिखा सकते हो। यस श्योर यस, गिव मी दैट आओ, आई शैल गिव यू, शो मी राइट। हां मैं कर रहा हूं। उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। आईना इज डिफेंडिंग एंड टीम केकर इज अटैकिंग। अरे डीएम कर दिया रे हनी। अरे वैसे एक बात कहूं कार्तविक यार, ये एरो जुकी अगर इन्हें ऐड कर दे और इस तरह करके कर ले तो वो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा ना, कि उसको उसके लिए टाइपिंग, क्योंकि मैं हम ओ माय गॉड, ओ यू हैव
तुम घर के आ रहे हो बे यार, ऑब्जर्वर में बैठ के हैं कड़वे नाम दो भाई मुझे इनका, मुझे ऑलरेडी असल में मिक्स हो जाती है ना, तकी फैसल एंड साइक्रो, राइट? ओके ओके, और एक्नोलॉजी अभी है क्या? हाँ ठीक है, चलो लेट्स सी, बस ये रहा। दो को कर लो ना इनवाइट, बाकी वो अपने टीममेट्स हाँ को कर बट लेंगे। ठीक है, मैं अभी फिलहाल पार्टी, एरोजुकी सर प्लीज पार्टी ओपन कर दें ताकि बाहर जो लोग बैठे वेट कर रहे हैं वो अंदर आ सकें अंदर आ सके नहीं, बाहर ही रखो, जरूरत ही है। भाई साहब इतना इतना, भाई साहब इतनी इतनी मुश्किल ड्यूटी दी हुई है ना इसको, जरा पार्टी ओपन करनी है इसने और क्लोज करनी है, जिंदगी में और कोई काम ही नहीं इसको। एक सेकंड, मेरा दोस्त भी आया, उसको भी मैं लेके आया। लेट्स गो गाइस, और तब तक चैट में तुम लोग मुझे बताओ अभी वैसे किस टीम का नाम मैच हो रहा है, किस किस टीम का मैच है ये? टीम टीम आईना और टीम केकड़े। टीम आयना। यार ये आयना के साथ मेरा ना कोई पास अच्छा नहीं जा रहा पिछले कुछ अरसे से, ये मुझे ठीक है रैंक, यार, ये पिछले रैंक मैच में कोई आती है आयना और मुझे मारती है, ये कौन है भाई ये और मैं अभी देख लेते हैं, और क्या कहते हैं, टीम आयना है और कौन सा है? केकड़े है। केकड़े। केकड़े। मुझे नहीं पता आयना कौन है। मैं आया, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम लोग टीम केकड़े को ऐड करो यार। तो रेहानी को करना था। रेहानी क्या कहीं गया था? ऐड कर लिया उनको। हाँ यही है ना, ताकि फैसल और ये, ताकि फैसल और एकनोलॉजिया आई एम बैक आई एम बैक आई एम बैक आई एम बैक, लेट्स गो। अच्छा मैं अब तुम लोग के लिए यहाँ पे भी स्ट्रीम कर देता हूँ, ठीक है? ओह माय गॉड, इधर क्या चल रहा है इधर माशाल्लाह बिटरेट बड़े अच्छे आ रहे हैं, 2500 बिटरेट आ रहा है। नयान शायल, ये शायल की है क्या? हाँ शायल। पीडीएफ फाइल्स इज माय इनोवेशन एंड बेसिकली इट वाज व्हेन पीपल केप्ट मी केप्ट ऑन कॉलिंग मी पीडीएफ। ये शायल है, इसकी टीम का नाम है पीडीएफ शायल फाइल। नहीं, उसकी उसके दोस्त हैं, उनका नाम है, टीम का नाम पीडीएफ फाइल था। अच्छा, साइक्रो को ऐड करना है मैंने, साइक्रो। साइक्रो तुम लोग कंफर्म करोगे ये? तो ऑफकोर्स तुम लोग जानते हो ना हाँ, तो तू कंफर्म यहाँ करके बता। जासिम, लड़के जासिम, तुम कुछ कर लो, कुछ कर लो, बोला तो है इतनी हाँ। ड्यूटी कर लो प्लीज प्लीज ब्रदर भाई प्लीज। अगर बिटरेट का मसला आ रहा है तो मुझे ऑब्जर्वर में ही ऐड कर लो फिर। यस यस यस, आप उधर भी आ जाए ना, मैं बोल तो रहा हूँ। मैं गेम खोल रही हूँ अपना। यस एग्जैक्टली। शायल तुमने चवल मार दिए इतनी यार, इसने क्या लिख दिया? शायल को टाइम आउट दिया जाए, शायल को 300 सेकेंड्स का टाइम आउट बनता है। डार्कनेस यो, कुछ नहीं कुछ नहीं बोला। अच्छा एफ एल जागो फियर नमक हैशटैग। भाई साहब इधर अभी से ही डरा रहे हैं सारे, रेहानी नाम 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 क्या यूजर लगता है नेम मेरा कितना मुश्किल नाम है मेरा? रेहानी हैशटैग पेपे। पेपे यस पी ई पी ई। अच्छा यार रियली या क्या कौन रही है जो कि बेबी वाइपर से मुझे इनवाइट कर रही है बेबी वाइपर अरे यार क्या यार यार तकी फैसल साइक्रो ज़े एंड एक्नोलॉजिया, ये नाम प्रोनाउंस करने I think again, so should we go ahead if you guys are ready? नो नो नो, वेट होल्ड ऑन अ सेकंड, लाइक होल्ड ऑन, मैं स्ट्रीम जी कर रहा हूँ, जस्ट वाना ट्राई के बिटरेट हमारे सॉल्व हो जाए। सोर्स
Me know English. Or wo aina. I hope. I think. Nahin mazak kar raha hu. Fact bata raha hu. Pepe laugh. Border ho. Lol. Be you sharam karo tum. Badtameez aadmi. Oh yeah, I think fix ho gaya. Let's go. Hopefully. हाँ हो गया, सही हो गया. चलो भाई आओ शुरू करें. बिटरेट्स आर गुड नाउ. एरो कम्युनिटी टूर्नामेंट टॉप 16. एरो कम्युनिटी टूर्नामेंट है. एक सेकंड, मुझे ब्रैकेट्स, लेट मी लुक इनटू द ब्रैकेट्स. तुमने मैच स्टार्ट कर दिया हुआ? ओह मैच स्टार्ट हो गया हुआ गाइस. आस्क कार्थोविक मिनिमम वेजेस ही दे रहे हो ना. अबे एफएल यार ये क्या, वे चैट में क्या चल रहा है ये मसाले कड़वे हर जगह मसाले महंगो. घर में मिर्च नहीं है, स्पाइसेस नहीं है क्या? लेट्स गो. मैं अपना कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूं यार. रेहानी तुम्हारे स्क्रीन स्विच तो बड़ा लेट है. ओह थैंक यू, मुझे शुक्र है किसी ने मेरी तारीफ कर दी. शुक्र है. मेड बाय अतार 2K2 ने बना के दिया मुझे. हमने साथ बैठ के बनाया. अच्छा जी, पहला मैप जो है हमारे इधर असेंट लगने वाला है और रेज नजर आ रही है. पूरे पूरे गेम में एक ड्यूलिस्ट है सो फार. दो ड्यूलिस्ट हैं. एक साइड, एक साइड पे उन्होंने क्या कहते हैं चेंबर पकड़ा है और दूसरी साइड पे केजे. मतलब एक साइड पैसिव है और दूसरी साइड टोटली अग्रेसिव है और उल्टा आउट. ड्यूलिस्ट, वाओ. यस एग्जैक्टली. और वैसे एक बात कहूं, ये एक्से भाई ने नियॉन की उठाई है. टूर्नामेंट्स में तो होती ही नहीं है. लाओ हेलो ये क्या बात हुई? ये एक 2 week बैन था. 2 weeks are done, so now they can play. Oh, okay. That's 2 weeks are done. Like he is gonna regret it because Neon is actually not that OP. Starting में सबको लग रहा था कि Neon is very crazy, Neon is good as this and that. Really not that good. I'm telling you, and you guys will see it. Frisbee, I might disagree with you on this because I have seen a Neon जो कि डोमिनेट करती है, जेट से भी अच्छा खेलती है. नियॉन जो है ना वो हमेशा सामने वाली टीम की अच्छी होती है यार. अपनी टीम के नियॉन कभी भी अच्छी नहीं होती. माइनर प्रॉब्लम विद नॉर्मल गेम बोर्ड बाय. यस मुझे उसने नीचे चैट में बताया अभी. माइनर प्रॉब्लम है. माइनर प्रॉब्लम. मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी कभी-कभी गलतियां होती हैं यार. व्हाट शुड वी डू? रीस्टार्ट? यस वी हैव टू रीस्टार्ट. आई एम श्योर वी हैव एन इशू. No issues. आ जो. ना लीव करो. कार्तोविक प्लीज मुझे किक ना कर. कार्तोविक प्लीज क्या कहते हैं? Do some. ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये कार्तोविक has been kicked from team Arrow. जासिम has been kicked. क्या पहले? Stream delay है. मेरी तरफ से तो नहीं है. मेरी तरफ से तो नहीं है भाई. I'm trying to fix the delay. यार हमने pro player इसीलिए नहीं allow किया ताकि इस तरह की कोई चीजें ना करे. आपको ऐसे ये नहीं पता कि pro player ऐसी चीजें नहीं करते हैं. बाकी players कर सकते हैं. Exactly, pro players के अलावा हर कोई हरकत करता है. Jokes on you, I'm a clown player. यार ये बोलता बोलता यार मैंने साहब लगाया. जैसे सर stream is buffering. यार अगर स्ट्रीम अभी भी बफर हो रही है तो सारे बफर स्पैम करो प्लीज. आई नीड टू हो रही है एक्चुअली. मेरी तरफ से आई नो आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ भी. हां आई नो, वो मैं देख रहा हूं. असल में पता क्या, वो ठीक चलते चलते पता नहीं उसको डिप आ रहा है आउट ऑफ नोवेयर. एंड प्रॉब्ली मेरा इंटरनेट का इशू है. अब मैं इसलिए चाह रहा था एक दफा स्केड्यूल हो जाती ना उस पे आपके सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, एरर्स वगैरह हो जाते हैं. स्ट्रक्चर एजेंट दोबारा तुमने स्टार्ट कर दिया? हां इस बार स्पाइक क्रश है. ठीक है स्पाइक रश है. ठीक है लेट्स गो गाइस. स्पाइक रश स्टार्ट हो चुका है. मैं इसका हेल्प कर दूं यानी. हां मैं वही कर रहा हूं. हेल्प सुअर्स मीम मटेरियल. सुअर्स हेल्प सुअर्स व्हाट? इट्स अ मीम. इट्स अ वैलोरेंट मीम. ओह मैं नहीं जानता. प्लीज मैं नहीं जानता. मैं नो इट्स नॉट. बफर स्पैम हो रहा है यानी. मैंने कहा स्पाइक रश गाइस.
स्पैम मारो बफर का जरा गंदे वाला, पता लगना चाहिए बफर का स्पैम हो रहा, पता लगना चाहिए यार। अपने पेजेस रिफ्रेश करो गाइस। नहीं नहीं हो गया, बिटरेट सही हो गया मुझे यार, वो उससे स्टेबल नहीं हो रहे ना, 2v2 देख के मुझे जीएक्सआर वाला वो हो रहा है, पीटीएसडी हो रहा है स्पाइक क्यों जो मैं आ रही थी। ओके सो एक्से भाई तो फुल एग्रो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहाँ पे तो है ही नहीं वो बंदे, वहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ मैं साइक्रो को कर रहा हूँ, मैं साइक्रो को स्पेक्टेट कर रहा हूँ, वरना सी क्या करता है ये लड़का। आई हैव हाई होप्स कि साइक्रो कुछ करके दिखाएगा। हाँ 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 That's a very good nade, damage होना तो चाहिए damage, लेकिन हुआ नहीं है। A main पे एक player जब spike hold कर रहा है और एक बंदे ने heaven hold किया है, बहुत अच्छा setup attackers की जानिब से, और SSG पे नजर आ रहा है Marshall पे attack, तो कोशिश करेंगे दोनों player एक बंदे को push कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी strategy है, लेकिन Cycro ने पीछे होके मेरे ख्याल से गलत move दिखाया। Yes. Angle hold कर रहे हैं और क्या वो diffuse कर पाएंगे मुश्किल से जब से हानि, और नहीं कर पाएंगे क्योंकि चेंबर का एम जो है वो जी हाँ बिल्कुल हाँ, क्योंकि साइक्रो यहाँ पीछे चला गया था, इसकी वजह से यहाँ पे अपने उससे अपने टीममेट को बेट कर दिया था, काइंड ऑफ दैट इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक उसको वहाँ से जनरेटर से पुश कर देना चाहिए था अपने टीममेट को कवर देने के लिए, अगर वो अपने टीममेट को कवर देता तो शायद यहाँ पे वो अपना राउंड निकाल सकते, लेकिन ऑफकोर्स उसने अपने टीममेट को कवर नहीं दिया, तो इस टाइम तकी फैसल भाई साहब राउंड ले गए हैं। और कितने राउंड है वैसे? क्रॉसहेयर प्लेसमेंट चैंबर इमेजिन डाइड हुआ था रे, ही डाइड फ्रॉम द टर्रेट। अच्छा एक कॉमन मिस्टेक जो स्पाइक रश में जो है वो टीम्स करती है डिफेंडर्स स्पेशली जिस वक्त कर रहे हैं कि ये लोग सात फाइट नहीं ले रहे हैं, 1v1 फाइट सुने दे रहे हैं जो कि कभी भी नहीं करनी चाहिए, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। तो अगर एक साथ ये एक बंदे के साथ फाइट लें, दो बंदों के साथ फाइट लें, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि एटलीस्ट एक राउंड निकाले, लेकिन इस वक्त चेंबर की अल्ट है वो प्ले में आ रही है, होपफुली जो है तीसरा राउंड भी निकाल पाए। और सीटी का टेक ले चुके हैं डिफेंडर्स स्पॉन का, दे वुड नॉट एक्सपेक्ट दैट, उनको कोई होश नहीं है डिफेंडर्स को, क्योंकि पीछे से दो बंदे आ रहे हैं, दैट कुड बी ह्यूज रिहानी। या बिल्कुल आप सही कह रही हैं फ्रिज भी, लेकिन आई एम वंडरिंग कि तुम्हारे में इतनी जान कहाँ से आ जाती है। ओह माय गॉड यू डू दैट वेरी गुड, ये बहुत ही बिग ब्रेन गैलेक्सी ब्रेन प्ले होने वाला है, हेवन पे एक बंदा ओडिन और वो आगे पुश करके, ओह माय गॉड ये एक्चुअली पता है किनके साथ प्ले होगा, ओह माय गॉड यस यू उल्टा आउट प्ले हो गए, स्लो हुई भी है रेस में भी ये चीज को यूज कर पाए कॉलेज के, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, स्पाइक प्लांट फिर भी मिल जाएगा, राउंड बहुत ज्यादा ड्यूएबल है, तीसरा राउंड निकलने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, अनलेस के नेट हेवी डैमेज कर रहा है 33 एचपी पे, विल ही बी एबल टू डू इट विद एन ओडिन, वो उस स्मोकर की उसको हेल्प कर दी हेडशॉट विद द ओडिन। ओह माय गॉड क्या साइक्रो को पता, क्या साइक्रो को पता, ओ साइक्रो डिड इट, लेट्स गो, नाइस सर, Fortnite Pro, okay. I can believe that. जब वो shotgun कर रहा था. Sorry. Get out of the way. Let's go. Jasim best manager, भाई साहब. Best manager के भी कारनों में देखे. Okay. Neglect my duties, please. Nice. Damage देते हुए. काफी हैवी डैमेज हुआ है रेस को, हाफ एचपी ऑलमोस्ट, या नाउ दे आर थिंकिंग ओह नाउ दे विल रोटेट,
लेकिन मैं ये सोच रहा यार, ये 2v2 में रोटेशन हेल्प करेगी क्या? बहुत मुश्किल है। आइडियल सिचुएशन यहाँ पे यही है कि आपके पास दो ड्यूलिस्ट हैं, आप घुस के फाइट वो क्यों तो नहीं हेयर देखे आ रहे करते हैं। हैं। एग्जैक्टली, लाइक दो दो ड्यूलिस्ट हैं, आप बिल्कुल घुस के फाइट नहीं, स्पाइक प्लान करने की नौबत भी नहीं आएगी अगर आपका एम अच्छा और आप दोनों मिल के फाइट ले रहे हो तो। इस बार सिर्फ लंबी हो रही है, दूर जा रहे हैं, लेकिन केजे के पास मेरे ख्याल से फाइट आने वाली है। टीपी तोड़ते हुए और पहली किल लेने में कामयाब हो जाएगी केजे। 1v2 से व्हाट, केजे ने दोनों बंदों को राउंड जो है तीसरा निकाल दिया है। ओके ओके एक्नॉलेज ओके यार, वैसे एक बात कहूँ, दिस इज काइंड ऑफ अनफेयर के क्या कहते हैं, अगलों को अगर पता लगता है कि उनका डिफेंड पहले है तो वो भाई साहब फुल डिफेंड वाले करेक्टर उठा लेते हैं। इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर देम। स्पाइक रश में एक ये बहुत ज्यादा बंड होता है, लेकिन इसका की तरीका ये होता है कि आप अलाउ नहीं कर रहे डिफेंडर्स को बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड करने का, बट इससे एडवांटेज तब भी होता है। लेकिन क्योंकि अटैकर्स के पास इस वक्त जो है वो अग्रेसिव एजेंट्स भी नहीं है तो उन्हें मुश्किल हो रही है, तो अग्रेसिव एजेंट्स हैं तो उन्हें मुश्किल होनी भी चाहिए। और जेट ने बिल्कुल साइड का इस्तेमाल करते हुए साइड टेक ले लिया और जेट के पीछे से गई है स्पाइक, फिर से प्लांट होना आ जाना। ओह जंप शॉट, नाइस। जज के साथ वहां मौजूद है दूसरा 2K लेते हुए एक्नोलॉजिया 4-1 स्कोर पे जो है वो ये गेम एंड कर। क्या करते हैं भाई लड़के, क्या करते हैं। नाइस वन एक्नोलॉजिया, वेल प्लेड, यू गाइस वन। इनकी टीम का नाम क्या था? टीम आईना एक्नोलॉजिया, पता नहीं क्यों कह जा रहा था ना। एक्नोलॉजिया प्लेयर था, एक्नोलॉजिया तो प्लेयर है ना, एक्नोलॉजिया मुझे ये बिल्कुल पता था। हाँ तो हम उसी की बात कर रहे हैं ना, तो इतना परेशान क्यों रहे हो भाई? थोड़ी सी शिट टॉक हो गई थी चैट में, सकी कैसे पूछते हुए कि एसएस डाल दे। एसएस डाल दे, अरे थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा मसाला, यू नो वो ऐसे टेढ़ा हाथ करके थोड़ा सा मसाला टॉपिंग दे रहा थोड़ी सी। ओके सो नेक्स्ट प्लेयर कौन, नेक्स्ट टीम कौन सी है? ओ ओके बोल। फियर नमक यार, ये जो भी आया हुआ था चैट में कि भाई आई एम फ्रॉम फियर लेजेंड, ये बिल्ड डेफ वर्सेस फियर नमक। ओके आने दो लेट्स गो। फन फैक्ट, फियर नमक को दोनों के दोनों वॉकओवर्स मिले, सो दे हैव डन एब्सोल्युटली नथिंग टू गेट हियर। अपने मैच का पता कैसे चले, जैसे अपने मैच का क्या मतलब, वो तुम लोगों ने फौरन स्टार्ट कर दिया। ओह माय गॉड, फास्ट सर्विस जासिम, फास्ट सर्विस। एफएल हैरी और अक्वी की कौन सी टीम है जासिम? काफी सरदार, हाउ कैन आई प्ले द कप? ओह शिट, यू आर लेट। हमने इसकी सारी जगह प्रमोशन वगैरह की थी, काफी सारी टीम्स आई, 350 टीमें आई हैं एक्चुअली टू बी। ओह ये तो साल्ट एक्वी है, तुमने फौरन स्टार्ट कर दिया। एक्वी दिस इज यू, समझ गए भाई साहब, इसको तो मैं स्पेशल स्पेक्टेट करने वाला हूँ। लेट्स गो माय बॉयज आर हियर, डार्कोस एंट्री। ओके डार्कोस तुम्हारी साइड से, ओके मेरी साइड से आई एम विद एफएल हैरी एंड सॉल्ट एक्वी काइंड ऑफ। मैं एक्चुअली उनकी बुरे पॉइंट्स नोट करने वाला हूँ कि वो कहाँ पे भंड करेंगे स्पेसिफिकली, लेकिन या हैरी इज फ्लैट एंड एक्वी इज सिल्वर। ओह शिट, एक्वी इज सिल्वर, एक्वी सिल्वर है? नहीं यार नहीं, आई सॉरी अदर वे अराउंड, एक्वी प्लैट है, हैरी सिल्वर है, हैरी सिल्वर है। ठीक है आई थिंक ये दोनों मैनेजर्स हैं राइट, एक एक अभी सॉल्ट का मैनेजर है और दूसरा शायद मैनेजर है कि नहीं। हैरी एक्वी वाज फॉर्मरली इन फियर लेजेंड्स बट ही लेफ्ट अराउंड अ मंथ अगो, सो ये दोनों मैनेजिंग डुओस भी थे। Okay, managing duos हैं, so okay, दोस्त हैं आपस में and they are playing a community cup. Furthermore, they live in Karachi. नहीं अब नहीं भाई, address नहीं देना, क्या किधर जा रहे हो? Hello. Phone number निकाला है मैंने, in case चाहिए। नहीं sir, thank you. Okay, मेरे पे पिक देते हुए, FL Harry, what? बिल्ड डेव जो है मतलब डिफेंडर्स में बहुत अच्छा स्प्लिट नजर आ रहा है, ए साइड की तरफ ज्यादा उनका प्रेशर है, लेकिन मिड पे जो है वो इस बार किल जो है अकेला रह गया है, तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसके पास शॉर्टी है कोई के पास जो के बहुत अच्छा यूज कर सकता है, अगर राइट पे क्लिक कर ले तो हेडशॉट, एम हेड पे था लेकिन क्लिक करने में थोड़ी सी देर हो गई है, ही प्रोबेबली नीड्स अ 240 एलईडी फॉर दैट, गुड ट्राई। वैलोरेंट में पीकर्स एडवांटेज का बहुत बड़ा बंड है, फ्रिस्बी
360 हर्ट्ज लाया है उसके ऊपर ऊपर से लाया है भाई ये क्या चल रहा है मैंने हम क्या कर रहे हैं एकदम थोड़ा लेट हो गया आई थिंक ये रायना ने क्या किया ये हाँ थोड़ा लेट हो गया ये मरेगा मुझे लग रहा है बिल्कुल ऊ भाई जाते हुए केजे को उसने नफ टैग दे दिया मे बी चेंबर अगर अच्छा खेले तो मे बी राउंड क्लच कर सकता बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है क्योंकि लास्ट गेम में एक किल तो बहुत आराम से निकाल ली थी चैम्बर ने अगर चाहे तो क्लच कर सकता है क्योंकि उनमें से एक प्लेयर सिल्वर है और मेरे ख्याल से डार्कोस के पास मालूम है ओह एफएल हैरी मार देंगे एग्जैक्टली 1-1 हो चुका है और वेंडल्स है प्लेयर्स के पास अब ज्यादा रियल गेम पे जब वो अप प्ले में आएगा कि वेंडल से कौन राउंड निकाल सकता है जिसका वैलेंट में ज्यादा एक्सपीरियंस है दैट टीम शुड टेक अवे दिस राउंड भाई साहब जीतने वाले को चॉकलेट दी जाएगी हर शो में की तरह से अगर फियर नमक जीत गई गाइस चैट में भी गिव अवे करना है चैट में भी गिव अवे करना है गाइस सो बी रेडी मेक श्योर तुम लोग हिस्सा लो कोई अच्छा सा सवाल पूछेंगे इनसे या व्हाटएवर आई थिंक कार्जोविक ने सोचा होगा ये तेज कैसे चल रहा है ये इसने ऑर्ब उठाया है तो उस ऑर्ब के अंदर यही पावर होती है कि आप जो है वो तेज भाग सकते हैं लेकिन भागने का इस्तेमाल कर नहीं रहा है कोई इस वक्त वो चाहता तो साइड के अंदर पुश कर सकता था चैम्बर के साथ लेकिन ऐसा उसने किया नहीं है और अभी जो है वो होल्ड नजर आ रहा है अटैकर्स की जानिब से दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी लेकिन होपफुली इनके एम्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वेंडल हाथ में और अगर मैन की जगह होती है वेंडल वेस्ट करना नहीं चाहती हेविन पे आराम से खिलानी चाहिए लेकिन मुश्किल होगी डार्कनेस में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन दो प्लेयर दैट इज अ वेरी गुड प्ले दोनों एक साथ मिलकर पीक कर रहे हैं और आगे टैरेट भी लगा रहे हैं मुश्किल होगी हैरी को भी डाउन कर दिया है दूसरा राउंड लेके जा चुकी है टीम बिल्डिफ अरे यार It was so close. Harry का क्रॉसर उसके सिर के ऊपर था. उसके सिर के ऊपर था आखरी. रायना के ऊपर. Oh shit. Harry, I feel bad for you, man. Harry, तुम वैसे disappoint कर रहे हो थोड़ा सा. वो Harry मुझे लग रहा है Harry का 60 hertz भी नहीं है. Harry, hertz वगैरह चाहिए तो बताओ. एक्चुअली अब मैं चाह रहा हूँ कि हैरी जीते ताकि वो 60 हर्ट्ज से अपग्रेड करे अच्छा ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि चेंबर की जो है वो अल्ट एक्टिवेट हुई है इस वक्त और क्योंकि सब टीम्स के पास क्लासिक है इस वक्त तो अल्ट से ये पूरा राउंड रिजल्ट निकाल के बैलेंस कर सकता है 2v2 स्कोर डार्कोस अगर चाहे तो और मुझे इसका वेपन नजर नहीं आ रहा फॉर सम रीजन एंड ही गॉट चेंबर्ड बिकॉज़ चेंबर्ड अपने टीपी लगाई हुई थी और वो किल लेने में कामयाब नहीं हुए लेकिन हाफ एचपी जो है वो खा चुके हैं रीपिक करने की कोई भी गलती नहीं करेगा इस वक्त डार्कोस क्योंकि उसके हाथ में अल्ट मौजूद है ऑप मौजूद है चेंबर के और बाकी सबके पास क्लासिक है लेफ्ट की कॉल ओह चेंबर आउट ब्लेड्स ऑल एग्री ओ नो हमारा पुअर सॉल्ट एक्वी आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर हैरी की पोजीशन की बिल्कुल ओ भाई साहब हैरी भाई हैरी लेकिन विफ कर दिया वंस अगेन हैरी अपने 60 हर्ट्ज एलईडी के नुकसान 60 हर्ट्ज 10 सेकंड्स लेफ्ट यस लेट्स गो हैरी यू मेड इट भाई साहब हाफ टाइम फाइनली हाफ टाइम नहीं हुआ ये अभी कितने राउंड्स होंगे और मैं स्पाइक रश नहीं मैं जानता नहीं आई एम नॉट लाइक इसके बारे में नहीं मुझे पता विन बाय फोर होती है ना तो सो दो उधर हो गए तो अब लास्ट वन है ये जो जीत गया वो जीत गया स्कोर 2-2 है अरे हां नहीं 2-2 है ओ अच्छा ठीक है 4-2 पे जीतते हैं गॉट इट ये तो गया ब्लाइंड होगा 24 एचपी पे हैरी ब्लाइंड हो गया ग्रीन गार्डन की तरफ और रेना ने पिक करने में थोड़ा लेट कर दिया था लेकिन किल लेने में कामयाब हो जाएगी 1v2 सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त अक्वी भी ब्लाइंड है रेना किल लेने में कामयाब नहीं हुई और दोनों के बीच मार्शल की स्ट्रगल चल रही है बट रेना कम आउट एज द विनर पुअर अक्वी भाई यार मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मैं मेंशन करके मैसेज करूं कि ब्रो स्क्रीन चाहिए लेकिन आई थिंक आई अभी रुक जाते हैं मैच के बाद मैं उसे डीएम करूंगा आई थिंक यानी अगर दे रहे हो तो मुझे ही दे दो यार आई अंडरस्टैंड ओ एक्वी ने जाके भाई शॉट मारा ऑफ का नाइस वन वेल प्लेड
क्रेज बहुत अकेला रह गया है ओपी के साथ, और बी पे जो उसके है पास ही वो स्पाइक है बाय द वे, नजर आ सो रहा है। या वो अगर आउट लाइक अगर कोई प्ले बनाना चाहे तो उसके पास अच्छा खासा रूम है। ओह बट ही इज नॉट गोइंग देयर, बट ही इज नॉट गोइंग देयर। बिग ब्रेन मूव करने की कोशिश कर रहा है ये भी के फ्लैंक करूंगा, लेकिन फ्लैंक पे जो है वो चैम्बर का कैमरा लगा हुआ है तो बहुत मुश्किल होगी। रे तोड़ क्यों नहीं रहा है ये ट्री भाई, क्या चल रहा है ये? हेलो दोनों को कॉल हो चुकी है और दोनों जो है वो बैक बैक लाइन जिस वक्त नाप रहे हैं, बहुत मुश्किल है साइड में बनाना, हेडशॉट का एंगल मिला हुआ है। 30 सेकंड्स लेफ्ट। ये क्या चाह रहा है? डबल फ्लैंक को चेंबर को बिल्कुल कॉल नहीं, और अब कॉल दे दी है। व्हाई अब दोनों को हेयर भी दे दिया अब राइना, व्हाट क्या चल रहा है ज़ेन में? व्हाई व्हाई राइना जा प्लांट कर भी उधर बी पे, क्या कर दिया ये? ए पे क्यों जा रहे हो भाई? व्हाट सारा मूड खराब कर दिया यार, टू बी ऑनेस्ट। तोवा 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 ये क्या कर दिया भाई, इतना फ्री रूम था कुछ भी कर सकते थे। ओके 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 भाई साहब मैं बता रहा हूँ, लड़के गुस्से में अब। चैम्बर तो बहुत दूर है, आराम से स्पाइक प्लांट मिल सकता है, दरवाजे भी बंद हो चुका है तो कुछ आ भी नहीं सकता चैम्बर बहुत ज्यादा टाइम तक। कैमरा भी लग चुका है हेविन पे, फ्लैंक की कॉल भी आ जाएगी अक्वी के पास आराम से, और आ चुकी है क्योंकि उसने जो है वो उसका बॉट ब्रेक किया। तो क्यों नहीं पता अक्वी को किसके पीछे बंदा है? मैं वही देख रहा हूँ, मुझे ओके 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 नो अक्वी, उसने भी ऑफ लगा दी। ओके स्लो डाउन करेंगे अक्वी, ट्राइंग हिज बेस्ट। नहीं अक्वी नो Equish, मार, Equish, no. 1v1 है, मैं फल को हैरी को स्पेक्टेट करूंगा। ओह, एफएल हैरी, yes, 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 beat him, yes, अगर अगर ये वाला राउंड जाता तो फेयर नमक जो है वो बनने से पहले ही डिसबैंड हो जाती। फेयर नमक। He is ruined and my disappointment is immeasurable. ओके तो आई थिंक ये क्या कहते हैं लास्ट मैच है, राइट? लास्ट राउंड है ये वाला, लास्ट राउंड है, फिर yes. ओटी जाएगा। या मैं स्पाइक रश के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रखता हूं, एज यू कैन सी नाउ। एक सेकंड गाइस, सॉरी मैं आपको थोड़ी देर स्पेक्टेट से हटाऊंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लेट मी इंक्रीज सम बिट। वन एनिमी रिमेनिंग। एक किल वैसे जो है वो नमक फेयर नमक को आ चुकी है। नाइस चुकी है, 5 फ्री। लेट्स गो जी जी फेयर नमक, फेयर नमक। एक सेकंड, ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, होल्ड ऑन अ सेकंड। एक्वी की टीम का नाम क्या था? नमक, फेयर नमक। अच्छा ठीक है, इनको जल्दी से इधर से निकाल लो, मेरे पास टाइम नहीं है, स्पीड रन करना है। स्पीड रन करना है, हैं? ओके सो सारे अब जा चुके हैं गाइस, अगले क्वालिफाइड प्लेयर्स आ रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड प्लेयर्स। कितने 350 टीमों में ये कुछ 16 टीमें सिलेक्ट हुई हैं, तो ये अब आ रही हैं। वैसे यार वैसे तुम लोगों को मजा आ गया होगा, हैं? बड़ा तुम्हारे सारे शौक जो थे होस्टिंग के सारे पूरे हो गए होंगे। नहीं, 350 बंदों के दरमियान में तुम लोगों ने टॉर्नी करवाया, मैचेस करवाए, इनके जिम्मे करके गए हो टूर्नामेंट, और जब टूर्नामेंट का टाइम आया तो पता लगा जी कुछ भी नहीं हो रहा, फिर कल जाके खुद बैठ के किए। चक्कर तो खुद भी था, एक बंदा आधे घंटे की ब्रेक लेके गया 3 घंटे बाद। हाँ भाई मैं आ गया वापस, मुझे यहाँ से कुछ बता रहा था कर तुम्हें क्या क्या किया किया था उसने। For the record, that is not me. मैं नहीं गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी मैनेजमेंट में बंदा था। Oh my god. ये टीम्स का बताना है, इसमें से PDF फाइल्स कौन सी है? Rebels PDF Warriors हैं और Dizzle हैं कोई सब। Dizzle की टीम का नाम बताना। Warrior, Park Warrior. इससे अगला मैच Frisbee की डुओ का है। Oh, let's go. किसका? मदीहा का है। Scarlett. Okay. ओके मैं बता रहा हूँ, अगर स्कारलेट ने राउंड क्लच ना किया तो 1000 रुपया वो मुझे देगी।
एस पे मैं खुश हूं कोई भी जीते आई एम सपोर्टिंग स्कारलेट ओके ओके ठीक है अच्छा ये एक डीजल की टीम का नाम बताना सॉरी पार्क वॉरियर और लेबल्स पीडीएफ लेबल्स का नाम पीडीएफ वॉरियर है डीजल के नाम का पार्क पीडीएफ फाइल्स ठीक है एक पीडीएफ है पीडीएफ एक पीडीएफ है और दूसरा है पार्क वॉरियर हां वॉरियर्स आए हैं वॉरियर्स लेट्स गो लेट्स होप देयर नॉट लाइक लाहौर है सेल्फ रियल लेजेंड अब वैसे एक बात है ये बंदा ना सारी चैट में स्पैम नहीं कर रहा था ठीक है जब वो सॉल्ट एक्वी ऐसे हार रहे थे ना तब वो जो ना ऐसे बिल्कुल चुपचाप था ही वाज वरीड ओ शिट बिल्कुल आखिर में जैसे ही वो जीते #fearnamak नाइस यार दिस इज कंफर्म हो गया सॉल्ट एक्वी भी लाइक इजी आप एजेंट सेलेक्ट देख के बता सकते हो कि कौन सी टीम ने जो है एक्चुअली प्रैक्टिस की है इस टूर्नामेंट के लिए अगर आप चेंबर पिक कर रहे हो या किलजॉय पिक कर रहे हो तो यू हैव 100% गिवन इट अ थॉट क्योंकि चेंबर और किलजॉय जो स्पाइक रश में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं दोनों आपको जो है एक्स्ट्रा फायर पावर लाकर देते हैं क्योंकि अगर आपके पास लास्ट स्टिक आ जाती है तो देयर इज नथिंग यू कैन डू बहुत ज्यादा डैमेज आप नहीं कर सकते हो चेंबर की अल्ट आप एक्टिवेट कर सकते हो और शेरिफ यूज कर सकते हो आप उसकी और किलजॉय जो आपको एक्स्ट्रा फायर पावर टैरेट की फॉर्म में लाके देती है टाइम बाय करा सकती है नैनोसॉर्म से तो इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच क्योंकि दोनों टीम्स के पास लेके एक एजेंट ऐसा है जो कि फायर पावर लेके आएगा मैप में इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग होपफुली ये लोग अच्छी तरह खेलो और हमें एक अच्छा गेम लाकर दें इस वक्त एक ही तरफ जो है प्रेशर जाता हुआ नजर आ रहा है अटैकर्स की जानब से शॉट देख रही है रेना और चेंबर जो है वो अपनी पोजिशन बहुत अच्छा एंगल होल्ड करके बैठा हुआ है और लाइक आई सेड शेरिफ निकाल लिया जबकि जरूरत मेरे ख्याल से नहीं थी गोस्ट कैन बी रियली हेल्पफुल इन दीज टाइप ऑफ बैटल्स Take a breath. Now take a breath, please. Oh my God. वो किसी बेचारे ने चैट के अंदर सवाल पूछा और उसके बाद कहा था never mind, she cleared my point. ओह भाई फुफू जा भाई फुफू भाई का तो एम चेक करो एम लैप करके आया लड़का पता लग रहा है ग्राइंड साइड पे है ग्राइंड साइड नहीं लेबल भाई एक शॉट लेते ना एंटी एंटी लड़के इज इंपॉर्टेंट ट्रस्ट मी आई वुड नो ब्रीदिंग पीडीएफ फाइल विनिंग द दिस होल थिंग शाइल बी लाइक ये शाइल अच्छा ऐसा है क्या जी जी साईं बाबा इज प्लेइंग एम लैब ऑल डे एम लैब पूरा दिन एम लैब ही खेल रहा है एक राउंड तो एक राउंड तो पीडीएफ वालों को नहीं मिला वैसे लेकिन एक्सपेक्टिंग अनदर लेट्स सी देयर टैरेट के थ्रू कॉल हो चुकी है कि रेना जब वो मिड के एंगल होल्ड कर रही है और 5 डैमेज भी हो चुका है व्हिच इज नॉट अ लॉट ऑनेस्टली लेकिन वेपन्स जो है किसी के पास भी अच्छे नहीं है बट लॉन्ग रेंज कैटवॉक भी पुश करेंगे जो एसेंट पे काम में आए यार ये इनको दिखता नहीं है क्या ये तोड़ते नहीं है ये जो एक वुल्फ तोड़ते नहीं है क्योंकि किसी को अभी तक अंदाजा नहीं है कि चेंबर के जो कैमरा की रेंज है वो बहुत दूर तक जाती है सबको लगता है कि वो करीब तक जाती है बहुत दूर तक जाती है नहीं 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 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैमरा आई एम टॉकिंग अबाउट द वुल्फ वो जो वुल्फ आ रहा होता है ना जिस तरह स्काई की यस ये तोड़ते नहीं है आई डोंट नो मैंने देखा कॉकी हो जाता है बहुत कॉकी हो जाता है यस जब अग्रेसिव प्ले दिखाने की फुफू साहब ओहो आई यार गोल्डन गन भी थी गोल्डन गन इज सो पावरफुल बट ही फेल्ड टू यूज इट क्योंकि गोल्डन गन का अगर आपको एक शॉट भी लगता है तो यू आर डेड अगर वो लेग पे भी लगता है तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा जब हैसल सिचुएशन हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है ऑफ कोर्स एम करना व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल लेकिन 2-0 हो चुका है पीडीएफ फाइल्स है वो एक भी राउंड निकालने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं ओडेंस जो है वो अब आ चुकी है एक सेकंड फ्रिस्बी तुमने कितना स्पाइक रश कितना खेला है मैंने और स्कारलेट ने बहुत प्रैक्टिस की थी oh my god exactly फिर भी आ गए वीवर फाइनल है चलो अच्छा हो गया फिर ठीक है नहीं फिर भी हार तो गए ना है इमेजिन लूजिंग विद प्रैक्टिस ब्रो इट्स री वेलोसिटी की प्लेयर फिट सी व्हाट द ओह माय गॉड
केजे की अल्ट संभाल में आई थी लेकिन प्लेयर्स को डिटेंट करने में कामयाब नहीं, तो ये स्पाइक का प्लांट भी मिल जाएगा और बहुत अच्छा एक्सप्लोर करके बैठी हुई है। स्काई फ्लैश करेंगी, फ्लैश ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे लेकिन ओडिन के अगेंस्ट साइड में बहुत मुश्किल है, बट क्लचर कामयाब हो जाएंगे। फ्लैश का यूज करके साइड के अंदर पुश करने की कोशिश करेंगे, स्पाइक का कंट्रोल उनके पास है, अगर चाहे तो डिफ्यूज कर सकते हैं। इफ दे गेट दिस किल, वेरी गुड फ्लैश फ्रॉम हिम, गुड गोल्डन गन। यार ये गोल्डन गन कहां से मिलती है, आई एम इंप्रेस्ड, मुझे भी लाके दो। उसके लिए और उठाना पड़ता है और इस वक्त अच्छी स्ट्रेटजी अटैकर्स के साथ। अच्छा, दे कीप पिकिंग अप दी ऑप, रेना के फ्लैश पे फ्लैश करा के या बेट करा के अपने टीममेट को वो लोग और उठा रहे हैं और ऑर्ब के जोर पे राउंड्स निकाल रहे हैं, व्हिच इज रियली गुड। शाइल, शाइल मुझे बताओ ये क्या चल रहा है यहां पे, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? आंसर अस, शाइल आंसर अस। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ शाहिल की टीम जीते, एक राउंड जीते, मैंने अपने पटाखे रखे हुए हैं, सेविंग इट फॉर देम। ओके, जस्ट फाइट फॉर रायना पीक, द फ्लैंक, मुझे भी नहीं पता लगा, भी नहीं पता चला, और डिजल ने जो है वो फ्लैंक करा के तीसरा राउंड भी निकाल लिया है। 3-1 हो चुका है और पीडीएफ फाइल इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। व्हाट आर दे गोइंग टू डू राउंड में, शायद शायद हैशटैग चलाने से कुछ नहीं होगा, शायद डू समथिंग, हैशटैग चलाने से कुछ नहीं होगा, शायद स्ट्रैट्स लिखकर भेजो अपने दोस्तों को। ओह माय गॉड, और यहां पे हमें क्या कहते हैं डीएम आ रहे हैं मेरे अकाउंट पे के। बुलडॉग्स आ चुकी हैं, पीडीएफ फाइल्स ऑन डिफेंस और बुल्फ इनको मारने की कोशिश करेगा लेकिन तोड़ देंगे रेना के फ्लैश पे अंदर आने की कोशिश, लेकिन आएंगे नहीं, विच इज द गुड डिसीजन फॉर नाउ। वैसे फ्रिस्बी, व्हाट इफ यहां पे स्काई इनको उल्टा फ्लैंक करने चले जाए, दैट विल बी अ ग्रेट स्ट्रेटजी, लेकिन अब टाइम निकल, अब टाइम चला गया हुआ, ये गिरानी चाहिए स्काई के पास, क्यों नहीं आई? I think Sky is cure कर सकती थी चैम्बर की किल। हाँ, क्योंकि चैम्बर देख नहीं रहा था लेकिन डैमेज तो किया है और अब चैम्बर के पास जो है वो ऑपरेटर भी आ चुकी है और रेना ने बिल्कुल एक की एंगल होल्ड किया हुआ है, फ्लैश की मदद से किल लेना कामयाब होना तो चाहिए लेकिन नहीं, पहली किल दूसरी किल। ओह नाइस वन, एम लैब, यस फाइनली द एम लैब इज वर्किंग। भाई डिफ्यूज कर दे, नहीं टैश पे ट्रैश शॉ कर रहा है पक्का, ये कुछ टाइप कर रहा है। I'm waiting. देखा? See, no trash talk नहीं थी, बस जासिम को एक humble request दी जा रही थी। Humble request, जासिम सुन रहे हो क्या हो रहा है? लगता है शायल की PDF file corrupt हो गई है। PDF file ain't working. मैं तो चाहता हूँ कोई भी नहीं जीता। मैं खुश नहीं हो सकता तो ये लोग क्यों खुश हैं? ये जानबूझ के मूड सब कुछ तंग करेगा अब। ओके सो यहाँ पे रायना मिड से जा रही है, बट यार ओके वो और बिठाएंगे, ठीक है इन्फॉर्मेशन से चली गई है। डॉगी बूफ बूफ, जासिम तुम वहां पे चैट में कास्टिंग कर रहे हो। वैसे डिजल की तरफ से अच्छा फ्लैंक रह पाया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली किल जो है ने वहाँ पे अपनी यूटिलिटी भी लगाई और एंगल भी होल्ड किया हुआ है और स्काई ने भी अल्ट लगा दिया, दोनों प्लेयर्स की बहुत आसान कॉल आ चुकी है कि एक पीछे एक उनके आ गए, दिस शुड बी वेरी इजी। डिजल वापस पीछे जाते हुए, वेरी गुड मूव, रेना ने बहुत बुरा विफ कर दिया है ट्री के ऊपर, दोनों प्लेयर्स की कॉल है कि दोनों एक साथ जाएं, वहां पे आ चुके हैं फाइनली ऑर्ब का यूज करते हुए। ओ नाइस केजे का, केजे भाई साहब ये सारे प्रैक्टिस करके आए हैं, मैं बता रहा हूं, दे आर हियर टू विन, दे आर नॉट जोकिंग। अगर डिजल को प्लान करना है तो फौरन करना होगा, क्वालीफायर्स खेल के हैं सिर्फ, वो नहीं खेल के। भाई साहब पीडीएफ ओके हेलो, मेरी चैंपियंस में कभी भी नहीं आती एनिमेशन। ओह माय गॉड, फुफू साइन इज टू गुड, फाइनली आई सॉ ब्रिमस्टोन, फुफू साइन
चैंपियन को मैक्स लेवल करना पड़ता है एनिमेशन। मेरी मैक्स है लेकिन हमेशा मैं बहुत लेट जाती हूं सर्कल के अंदर। ओवरटाइम। नाइस सन। वैसे डू यू नो फ्रिस्बी है? मैंने पहली दफा देखा। नहीं मैंने वीडियोस में देखा है, मैंने इन गेम कभी भी नहीं देखा। मैंने इन गेम आज तक नहीं देखा। मैंने भी इन गेम आज तक नहीं देखा। जो भी हमें फुफु साइम ने दिखा दिया ना, फुफु साइम, ओ माय गॉड, तालियां हो जाएगा, तालियां हो जाएगी यार। सही बात है। एनीवेज फुफु साइम, यू कैन डू दिस ब्रदर। फैंटम जो नाउ एक्चुअली आ चुकी है। मैं वाकई चाह रहा हूं कि यार फुफु साइम वाली टीम जीत जाए। टीम पीडीएफ, लेट्स गो। आई रेज देम फ्रॉम कंसोल। मिशाइल, one enemy remaining. PDF फाइल का एक बंदा जो है वो गिर चुका है फैंटम के साथ। फुफु साइम अब अकेले रह गए हैं ए मेन पे और क्रॉसफायर टाइप का बनाया हुआ है। वाइन क्लियर कराते हुए अलार्म बॉट भी उठा लिया है, पूरी यूटिलिटी कंप्लीट कर लिया। मेरे ख्याल से पूरा स्पाइक प्लान करने के मूड में, लेकिन इस राइट साइड वाले बंदे की कॉल नहीं है। होपफुली ही क्लियर दैट एंगल, ही इज ट्राइंग टू क्लियर दैट एंगल, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऑड एंगल है, इसको क्लियर कराना बहुत मुश्किल होता है। कॉल हो गई है। चैम्बर ने टीपी कर लिया है। चैम्बर का टीपी का भी पता लग गया। फुफु साइम, दैट वाज गुड, या फॉर श्योर। 1v1 सिचुएशन पे ये मैच आना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा नैनो का मार है, लेकिन सिर्फ आई थिंक एम भी नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा क्रॉसर प्लेसमेंट एक्सपेक्टेड जगह पे होता ना, कि वो किधर से उसने पीक करनी है, तो ये कर सकता था बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि लेफ्ट से पीक आएगी, क्योंकि अगर नैनो स्वॉर्म राइट पे फेंका तो ही वाज डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि नैनो स्वॉर्म से बचने के लिए बंदा जो है वो लेफ्ट साइड पे आके पीक करेगा। लेकिन आई डोंट नो, वो एम नहीं मुझे मुझे लग रहा है, आई थिंक ही गॉट कंफ्यूज्ड बाय द वो जो उसका होता ना चेंबर का जो यूटिलिटी होती है उससे। ही गॉट कंफ्यूज्ड। ओके हमारे चेंबर भाई, दोनों बंदे ए पे हैं, एक बंदा जो है वो ग्रीन देख रहा है और एक जो है वो बहुत क्लोज एंगल लेफ्ट साइड पे होल्ड करके बैठा है। अगर दोनों प्लेयर्स एक साथ रिंडा के फ्लैश पे अंदर जाएं तो इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए टैरेट तोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं पता लेफ्ट या राइट पे जो है वो यूटिलिटी भी मौजूद हो किलजॉय की। स्काई फिर से फ्लैश करेगी, और गाइडेड की भी कॉल आ, यहां पे स्काई के पास अच्छा चांस है। स्काई एक बंदे, ओ गुड किल, नो टू के लेके क्लचर ने जो है ये गेम। पाकिस्तान वॉरियर्स, वेल प्लेड, वेल प्लेड पाकिस्तान वॉरियर्स, क्या खेले हो तुम लोग। नहीं आईडिया कौन जीता है। शायल कलाना, शायल मैं हेलो कासिर कौन है, जासिम हेलो शायल कल आना कर। ओह माय गॉड, नो ओके, सो नेक्स्ट कौन है शहीर है और टीम है हेक्सर वर्सेस बबीज। ओके सो एक सेकंड, स्कारलेट से बात कर सकते हैं क्या इनके? हेलो स्कारलेट, आवाज आ रही है? लाइव इंटरव्यू। जी स्कारलेट, आर यू गोइंग टू विन? नहीं हारेगी। द सेम वे आई वांट जीएक्सआर, मे बी यस। ओ ओ ओ फ्रिस्बी सुन रही हो? The same way I won GXR. But guys, this nahin, nahin, way, is that Scarlett confidence joke, she did not win GXR. Chalo Scarlett, tumhe GXR ke flashbacks aane lage hain. Lekin I'll let you guys know. Ek second. Chalo hum bhi baat nahi kar rahe. Ravi. अबे उसको क्यों किक कर दिया? पिछला मैच कौन जीते? पार्क वॉरियर्स। पार्क वॉरियर्स पिछला मैच पार्क वॉरियर्स जीत गया। तुमने मेरे टीममेट को किक मार दिया। आई थिंक आई डिड नो। उसके टीममेट को किक मार दिया। नहीं शहीर क्लचर, यार ये क्लचर पहले भी तो था, लास्ट गेम का था। ये क्या किया? मुझे कंफ्यूज कर जासिम, ऑल यू हैड टू डू इज ऐड टू प्लेयर्स एंड स्टार्ट अ मैच। तुमने क्या किया? मैंने गलत बंदे को किक कर दिया, ये मैंने किया। टचर बी लाइक, मुझे एक और मौका मिल गया। कार्डोविक पॉइंट्स माइनस करने ना इसके। फास्ट है आखिर में इसका। टूर्नामेंट खत्म होने दो, यही माइनस हो जाएगा। क्या तुम मुझसे पैसे लोगे? उल्टा भाई पिक कर दो फिर लीव कर दो। अच्छा पिक करके लीव करना होता। आई थिंक यही मैच कंटिन्यू करते हैं।
ये नहीं थी यही न्यू टीम है राइट राइट ये टूर्नामेंट के बाद ना टूर्नामेंट के बाद कर दे रही ये न्यू बंदा आएगा नहीं शहीर का फायदा ही है भाई क्लचर ने बहुत सारे राउंड्स क्लच किए हैं लास्ट गेम में बाप ले रहे हेयर फॉर फ्रिस्बी मॉमी ओके ओके करता है लीव करूं हां ना री करना री करना टीम पे बता नहीं क्या पर मेरा सही बंदे को इनवाइट करना है होपफुली जितनी स्पाइक रश की नॉलेज आई डोंट थिंक इस पूरे सर्वर में किसी को भी होगी आई थिंक सो यस बहुत आराम से जीत जाना चाहिए टीम हैक्सर्स को अगर नहीं जीतते तो आई विल बी क्वेश्चनिंग स्कारलेट आफ्टर द गेम कि तुमने सारी नॉलेज का क्या किया I think अगर यहाँ पे स्कारलेट वाली टीम नहीं ना जीतती है I'm disappointed. I'm telling you. I will be disappointed as well. Knowledge पे बहुत ज़्यादा confidence है. Dude की भी और Scarlet की भी. Yes, both of them are just like crazy player हैं और. Yeah. Let's go. Let's go. Dude is on another team. Yes. Sheesh. Let's see. How he does. Yaar Shahir aur Vic bhi I think mujhe nahi lagta koi bure player hai. Shahir, I think if it's the same Shahir he's also a good player. Shahir jo hai yeah, I think the community ka he knows about the game. I feel like sometimes aisa hota hai ki aim se zyada aapki game knowledge jo hai wo zyada important hoti hai aur Shahir I think I know him. He's from my chat. Aata rehta hai ye chat. I know him. Shahir plays I think iska naam hai. If I'm not wrong. Haan main bhai keh rahi hu agar ye wahi Shahir hai to. Haan. हाँ यार ये तो बहुत एक्टिव है ये बंदा स्कारलेट और डूड जो है उन्होंने मिड पे थोड़ा सा वो किया पर स्कारलेट जब हेल्प करा रहा है स्कारलेट को कि वो और उठा ले एंड चैम्बर और जेट का बहुत जबरदस्त कॉम्बो है वुल्व्स जो है वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं अगर एम चल जाए तो ब्लाइंड करके बहुत आराम से किल ले सकते हैं लेकिन किल जो है कि यूटिलिटी लगी हुई शॉट पे इनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि हार्ट पुश आ रहा है स्मोक का इस्तेमाल करते हुए सेकंड जाने की कोशिश करेंगे और ब्रीज को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका नहीं रोक पाया है जेट को और इस बार यहां पर जेट को नहीं पता कि जेट के पीछे आ रहे हो माय गॉड शहीद वाओ उसके साथ गैलेक्सी ब्रेन ऑन साइड क्या चल रहा है यहाँ पे एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं Okay, let's see. कोई बात नहीं, it's only one round. उम्मीदें अभी भी हैं. और dude will get this golden gun. Okay, ये pistol की तरह चलती है, right? क्या कहते हैं वो? तरह चलती है, लेकिन body पे कहीं भी एक भी bullet लगेगी तो सामने वाला बंदा मर जाएगा. चाहे टांगों पे लगे, हाथ पे लगे, एक bullet चाहिए होती है to kill a guy, which is why सिर्फ दो bullets मौजूद होती हैं इस gun में. कि you need only two bullets to kill two people, चाहे आप कहीं भी मारें. हाँ लेकिन इट्स लाइक अ ऑप अपना फ्लैश एग्जैक्टली ब्रीच अपना फ्लैश लोड करके बैठा हुआ अगर एक भी कॉल दिया जेट ने अपने को ब्रीच अपना फ्लैश देगा और आराम से किल ले लेगा तो इस वक्त वॉक पे रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गन वेस्ट नहीं करनी है अब ब्रीच ने एक ये काम बड़ा अच्छा किया कि उसने सन मार के ओह मार नहीं गोली चलाने का मौका नहीं मिला डूड को ओह नो आई फील लाइक जो दूसरी टीम है इसका नाम क्या है वैसे बाय द वे team bubbies team bubbies I think they are very good they are doing very very well yaar unhone sara doing very well spike rush ka pura unka setup pura yaar जो हेक्सर्स है आई थिंक वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्लो खेल रहे हैं कि मतलब अब ये करते हैं अब वो करते हैं और दे शुड बी डूइंग इज जस्ट पुश इन
और किल लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी तक कर नहीं रहा। अब मेरे ख्याल से उनका ये प्लान नजर आ रहा है, ओडन के साथ दोनों बंदे एक तरफ खड़े हुए हैं, किल लेने में कामयाब नहीं होंगे, पीछे हुए हैं, लेकिन चैंबर ने जो है वो किल ले ली है। 1v2 हो गया है, इनके पास भी ओडन मौजूद है, ग्रीन पे एम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्लाइंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किल लेने में कामयाब हो जाएंगे। इस 1v1 सिचुएशन दोनों के पास ओडन मौजूद है, लेकिन एक बंदा जो वो ब्लाइंड है, साइड में अंदर का टाइम बहुत मौजूद है स्कारलेट के पास, लेकिन वो अंदर आ नहीं रही है, व्हिच इज वियर्ड। तो यहाँ पे यार मैं इधर इतना कुछ नया चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ये ब्लैक एंड वाइट क्या था? ये एक तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं और आपको हेयर जो है वो गलत गलत हेयर आती है, लेफ्ट राइट से हेयर आने लग जाती है, ये भी ऑर्ब होता है। ओके, सामने वाली टीम ने वो ऑर्ब पिक कर लिया था, तो ये दैट्स रियली क्रिएटिव ऑफ राइट गेम्स, दैट इज वेरी क्रिएटिव इंडीड। साइड के अंदर आ चुकी है स्कारलेट, हेवन के लिए एम करने की कोशिश करेंगे, इस बार स्पाइक प्लांट करना पहला कंसर्न है, 15 सेकंड बाकी हैं, देख रहे हैं मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस्टेक की है इतना हैवी पुश करके, लेकिन नहीं, बिकॉज़ ही इज कॉन्फिडेंट मैनेजर, इट वाजंट एग्जैक्टली अ मिस्टेक, उसे पता था कि वो। ओह माय गॉड, आई एम ऑलरेडी गेटिंग डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। मुझे जेन्युइन जीएक्सआर वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज़ आई एम एक्चुअली सैड मे बी इट्स बफर और यू स्ट्रीम। अब ओके ओके ठीक, 3-0 स्कोर हो चुका है, देयर इज नो स्पेस टू ब्रीथ फॉर टीम हैक्सर्स। बबीज को जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी, 3 राउंड्स निकाल लिए हैं, बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए यहां से जीतना, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे टीम हैक्सर्स के, वो जो है डिफेंस पे कोशिश करेंगे कुछ राउंड्स निकाल के गेम को लंबा करके जीतने की कोशिश करें, लेकिन शहीर ने बहुत अच्छा प्लान दिया, फर्स्ट पिक लिया मिड पे जाके स्कारलेट ने, और अब दोनों प्लेयर्स हैं वो ब्लाइंड हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई फायदा नहीं है अनलेस यू आर पुशिंग दोस टू प्लेयर्स, जो कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्कारलेट ने एक एंट्री ले ली है, ले ली है बिल्कुल, और इट्स अ 1v2 सिचुएशन, और शहीर ने वो वाइन पे जो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में छिपे हुए हैं। आई थिंक दे नीड दिस राउंड, दिस राउंड इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, एट लीस्ट वन प्लीज। Oh man, I hate breach. I hate breach too now. ये जो जुल्म मैं देख रहा हूँ ना, इसके बाद तो आया 8 मोर। कार्तविक मैं चेक कर रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। सारा गेम जब इस वक्त जेट के ऊपर है और इसको कॉल नहीं। एक मैं वैसे एक बात जस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, ये टूर्नामेंट के बाद ना घर से बाहर ना निकली, ठीक है? क्योंकि ये जिन जिन लोगों के साथ तूने चैट पे भी किया ना, उनको तो तंग करता रहा है, ये सारे तुझे टूर्नामेंट के बाद बताएंगे। जितने लोगों को तूने तंग किया क्वालीफायर्स में भी सबको लगा रहा है कि मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थी, आप मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थी, ये सारी गाइस जाजिम सबसे यही कहता है, जाजिम हर लड़की से यही कहता है स्क्रिप्ट गर्ल, मगर उम्मीद किसने नहीं दी। ओ भाई, ओ माय गॉड, ये क्या स्ट्रीम है भाई, बिटरेट हेलो ऊपर जाओ। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट टीम जो है वो टीम रेविनेंस एंड हसलर्स हैं, 4 हमारे पास विनर्स फॉर क्वार्टर फाइनल्स आ चुके हैं, फेयर नमक, आईना, पार्क वॉरियर्स एंड बबीज, इज दैट राइट? इंशाल्लाह फेयर नमक हारेगी। हमारे कनेक्ट हो गया, बबीज नहीं हैक्सर जीती है, कनेक्ट हो गया, नहीं बबीज जीती है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, स्कारलेट की टीम थी। अच्छा, मैं कब से समझ रही थी बबीज हैक्सर स्कारलेट की टीम है, क्योंकि हैक्सर स्कारलेट की दोस्त है, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, आई डोंट नो हैक्सर, I know Scarlet. यार साइड सी बात है, तुम भी जानते हो, वो रैंडम लोग हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, लाइक क्या कहते हैं, ये अभी जो एक शहीद था और दूसरी टीम कौन सी थी, दूसरा प्लेयर एग्जर था, थी दूसरा प्लेयर वी ओनली नो शहीद, विक 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 विक, अच्छा विक था, तो अभी तुम लोग हैक्सर की बात कर रहे हो, उनके उनका मैचेस, उनके मैच अभी होना है, हैक्सर जीत गई है, नेक्स्ट मैच जो है वो टीम रेविनस और टीम हसलर्स का है, वो तो हमने होस्ट ही नहीं किया, लेकिन अभी होगा ना, हो रहा है, नहीं है तो होस्ट कैसे करोगे? ओके ठीक है, समझ गया, अल्लाह माफ करे, ये नहीं समझा, ये सिर्फ बोल रहे मुझे आधा समझ आ गया, लेकिन मैं इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकता, नो अभी मुझे डीएम आएगा, ये क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, चल क्या रहा है, गानी गानी को बोलो रेंज से बाहर आ जा भाई, इससे ज्यादा प्रैक्टिस, गानी गानी भी लाइक मैं प्रैक्टिस करेगा, आई नीड मोर प्रैक्टिस, नोट आ रहा, लिखा हुआ नोट आ रहा स्ट्रीम पे, नहीं नहीं आ रहा, इधर से तो जा रहा है, हां चलिए एग्जाम, कार्तविक को इतना उसको ना देखो, वो बग करता है, वो गलत भी बताता है,
डिले में चलता है वो काफी यार. असल में प्रो प्लेयर्स को गेम प्ले के आते हैं, मुझे इस तरह के फ्लैशबैक्स आते हैं. कंटेंट मालिक कंटेंट. रेवेनस वर्सेस हसलर्स. ओके ओके यार ये फेयर नमक तो अभी भी लिख रहे हैं. ये हेलो एफएल जागो अभी तक तू फेयर नमक लिख रहा है. कल एफएल जागो यार ना फेयर नमक. हां ना हां ना अभी क्वार्टर्स में ना. यस फिर फाइनल होना नॉट फॉर लॉन्ग. अच्छा पीछे कितनी टीम्स रह गई हैं? तीन अभी इनको मिला के अभी तीन मैचेस और रह गए. तीन मैचेस और रह गए ठीक है. इनको मिला के चार चार इनको मिला के चार मैचेस. ओहाई 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 लेट्स गो राउंड 3 के लिए. राउंड 3 में भाई साहब फुल. अच्छा क्या सिस्टम क्या एक ही को प्राइस देना है हमने के सेकंड और थर्ड को डिवाइड भी करना है? बस सेकंड थर्ड को भी है और दो चैट में गिव अवे होंगे. चैट में पहला गिव अवे 100 लाइक्स पे होगा, फिर दूसरा जो है वो देखते हैं. अच्छा पहला गिव अवे मतलब 100 लाइक्स. यार ये चीजें तो पहले बता देना. रुको जरा मैं अभी बताता हूं सबको. भाई साहब ड्राइवरी के पैसे भेज दिए, ऐसा ही पैसा होगा. आपको जो एक छोटा सा प्राइस पूल मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, कम्युनिटी एक साथ आ रही है, तो इट्स अ ह्यूज थिंग. आप लोगों को ये शेयर करना चाहिए क्योंकि अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम आगे बात करके ये टूर्नामेंट हर वीक भी करा सकते हैं, हर महीने भी करा सकते हैं. लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो बहुत सैडली ये टूर्नामेंट यहीं डेड हो जाएगा. तो इफ यू गाइस वांट टू एवरी वीक एवरी मंथ प्लीज शेयर द स्ट्रीम एंड मेक श्योर दैट वी गेट गुड व्यूअर्स एंड गुड रिएक्शन टू दिस. गुड रिएक्शन टू दिस एग्जैक्टली. और विश मेरे लिए भी जरा कर देना, थोड़ा सा मेरा नेट लगवा देना, बिटरेट ठीक हो जाए. अगला टूर्नामेंट रिहानी अरवा उससे आगे करेगा. मैं भी वही सोच रहा हूं. मैं नहीं कर रहा हफ्ते करते भाई अगला टूर्नामेंट. सही बात है, बेटर आ गया है ना, बस उसी के साथ करते हैं. अगला कोई टूर्नामेंट है ना तो कल आना बियर ना. अबे जासिम हट, अबे चैट में भी कर रहा है कैसा रामी. अच्छा नियॉन ने जो है वो सारे ऑर्ब्स उठा के अपनी अल्ट पहले राउंड में ही ऑन कर ली है, व्हिच इज वेरी अनयूजुअल टू सी. स्ट्रीकी का एम जो है बिल्कुल सही जगह पे और किल लेने में भी कामयाब हो जाएंगे. अल्ट ने दोनों प्लेयर्स को वाइप आउट कर दिया, इवन द नियॉन वाज ऑन हर अल्ट. क्रेजी प्ले फ्रॉम डिफेंडर्स. आई थिंक नियॉन गलत साइड पे देख रही थी, वो अगर जेन साइड पर देखती तो इट वाज इजी किल फॉर हिम. बिल्कुल ये जासिम जो डिफेंडर्स से कौन सी टीम है? प्रीकीज प्रीक्सी और ये जोंडा वाली. आई शैल फिगर दैट आउट. प्लीज फिगर दैट आउट एंड लेट मी नो. मुझे भी बताना प्लीज. गिव मी 2 मिनट्स और वन. अटैकर जो है वो थोड़ा सा घबरा गए हैं पिछले राउंड के ऑपोजिट, जो है थोड़ा होल्ड करके खेल रहे हैं, डैमेज करने में कामयाब हो गए हैं किलजॉय के अगेंस्ट. और अगर स्पैम करते रहे तो किलजॉय मर भी सकती है, लेकिन नहीं, ही विल एम टुवर्ड्स द जनरेटर एंड डाई टू चैम्बर. 1v2 सिचुएशन हो चुकी है. नियॉन जो अकेला रह गया है शॉट की तरफ, दोनों प्लेयर साइड पे मौजूद हैं. फिर से अल्ट लगा लिए, व्हिच इज वेरी वियर्ड. और फिर से ये घनी भाई अल्ट पे क्यों खेल रहे हैं और मर रहे हैं, इज वेरी वियर्ड. अच्छा कौन है डिफेंस पे? प्रिग्जी जो है वो रेवेनस. तो जोंडा इज रेवेनस. ओके चैट में कोई पूछ रहा है फिर भी आज स्ट्रीम करोगी या कल? हां यार आज ही करूंगी यार. ये वही है ना जो कह रहा था कि लाइक फेस बी मॉमी. कल तो टूर्नामेंट है भाई. ओह माय. ओडिन्स आ चुकी है सारे प्लेयर्स के हाथ में. किल जो है ना जब बहुत अच्छा एंगल होल्ड किया हुआ है, अगर बास जो है वो पीक करने की कोशिश करेंगे तो ही विल गेट हेडशॉटेड फ्रॉम हियर एंड ही डज. 2v1 हो चुकी है सिचुएशन, लेकिन 30 एचपी पे जोंडा मौजूद है और नियॉन वंस अगेन 1v2 सिचुएशन में फंस चुका है और वंस अगेन मरेगा. 3-0 स्कोर हो चुका है. टीम रेड वो जो है इस वक्त सॉरी टीम रेवेनस जो है वो इस वक्त लीड पे जा रही है 3 के साथ.
भाई साहब ये वाला, वैसे एक बात कहूँ, ये वाला मैंने बिल्कुल भी इस वाले मैच में मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा इंटरनेट ऑफ कोर्स हमारा इतना अच्छा नहीं जा रहा, और हम मैं भी अपने इंटरनेट वाले को ही बोल रहा था, अच्छे अच्छे लफ्ज़ों से मैं याद कर रहा था। तो लेट्स कंटिन्यू द मैच नाउ। ये तो बात है, सेंसर कर रहा हूँ ना मैं अभी। ओके आई विल जस्ट पोज माय सॉन्ग्स एंड बास 2K। अच्छा ये कौन सी टीम है, FE वाली? ये हसलर्स है। हसलर्स हैं, और जो दूसरी टीम है रेवेनस। रेवेनस वर्सेस हसलर्स, कौन जीतेगा? एंड अभी तक तो वैसे ऑलरेडी हमें जवाब मिल गया लेकिन अभी भी हारो हारो हेटफुल फुल हेटफुल जहर भरा हुआ है। नाइस। नहीं, 1v1 है। नियॉन की एचपी बहुत ज्यादा लो है, कोशिश करेगी कि फाइट लेके निकालने की, वॉल का इस्तेमाल कर। नहीं, 4-0 पे जो है रेवेनस ने। आई थिंक यार ये ओवरऑल इनका जो स्ट्रक्चर था वही भर रहा था। आई थिंक जो डिफेंस साइड थी ना उनकी रेवेनस की, वो काफी स्ट्रांग थी। ये वही बात कर रहे थे कि 1v1 फाइट्स ले रहे थे, स्प्लिट होकर खेल रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए। इस बार रश में आप क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हो यार, जस्ट घुसो, फाइट लो, मारो, एम पे खेलो, एंड दैट वाज अनफॉर्चूनेट। और फिक्सी का जो था वो 6-0 लिटरली स्कोर था, 2 ओपी, बंदे का एम चल रहा था। आई थिंक वी आर नॉट अलाउड टू से दैट। गेम चल रहा था यार, क्या मतलब है? कभी-कभी नहीं चलता, वैलेंट में तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलता किसी का भी। वैसे +1 रेवेनस। रेवेनस हसलर्स, कोई बात नहीं, डिसअपॉइंटेड बट चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही, कोई बात नहीं ब्रदर्स। फर्स्ट गिव अवे गाइस, 1000 रुपए का गिव अवे होने वाला है चैट के अंदर। वैसे 1000 रुपए हम कैसे इजी पैसा करेंगे? नहीं नहीं वो मिलेगा ना वाचर, 1000 रुपए के वाचर मिलने वाले गाइस, 100 likes जल्दी से कर दो। एंड लेट्स सर, भाई ये कमेंटेटर्स बायस हैं। भाई मैं तो बिल्कुल बायस नहीं हूं, मैं तो चाहती हूं कि सब हारें, लाइक अजुकी आई एम नॉट बायस। सब भी हारे, आई थिंक ये भी बायस ही होता रहे। ओके सो नेक्स्ट टीम कौन सी है? सो टेक फॉर एमएसएस, Zyotix is having some issues, so we're gonna wait for them for 5 minutes. Oh yeah, sure thing. Discuss कर सकते हैं और giveaway. So yeah, हम giveaway की तरफ भी जा सकते हैं अगर तुम लोग like करते हो तो, you know, मुझे मसला नहीं है, अगर ना करो यार like ठीक है, giveaway skip करते हैं, कर दो, next stream पे कर देंगे। मैं participate कर सकती हूँ? मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए वैसे, एक सेकंड। हेलो, ये क्या बात हुई, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा भेज रहा हूँ, पैसे भेजता हूँ, वो बाकी कुछ अपने 10 अकाउंट ले। रियानी मैं अपने सारे जितने मेरे बचे कुछ जितने अकाउंट है सारे ले आने। बात आ गई, अब तो शेयर करने पड़ेगी स्ट्रीम। वाह यार, वाह 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 लड़को, वाह 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 वाह, सदके जाऊं तुम्हारे में, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तो प्रवीण ने वही वाली मीम चला दी है, फोर्टनाइट वीडियो। वाह 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 वाह, लव फ्रॉम पेटर। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई, आप आपने हम सबको प्यार दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कितना प्यार दे रहे वैसे तुम्हें जासिम, तुम्हें नहीं प्यार मिला? मैं बात करता हूँ यार, जासिम को गाइस कोई प्यार देना चाहेगा? कोई है क्या जासिम? कोई है जो जासिम को प्यार कर सके? कोई है जो जासिम को प्यार करे? कोई है? आईना लाइट, हाँ आईना का मैसेज आ गया ना यहाँ पे, उसका क्या कहते हैं, अब वो शो हो रही है उसका मैच है, अब उसका ऑफ कोर्स वो लाइक करेगी। या ये आईना, एक्चुअली एक सेकंड होल्ड ऑन, ये आईना कौन सी आईना, आईना वाली आईना ही है क्या? आईना के अकाउंट में कोई लड़का है? ये कोई और है, वो AENA fucking girl। ओके ओके आईना भाग गई, आईना को भगा दिया तुमने। या ये 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 ग्रैंडपा भाई क्या बोल रहे थे अभी? शांत गेम में आओ, मैं आ रहा हूं अबू।
आ रहा गेम में व्हाट द फक ये क्या था भाई कैसे बोल रहा है शान गेम में हो मांडली हो रही है यहाँ पर अबू बना दिया सीधा तुमने तो How to join? Join करने के लिए registration form था and अभी वो क्या कहते हैं अभी तो आप join नहीं कर सकते लेकिन don't worry इस channel को subscribe कर दो आगे और भी tournament आ रहे हैं सही है कार्दोविक हाँ हाँ किसी बात में कार्दोविक ने हाँ बोल दिया हाँ बोल दिया join अगर आपने join करना ना तो एक time machine बनाओ और हफ्ता पहले जाओ start time machine बनाना और पीछे जाके 25,000 वाला tournament join करना कुछ बड़ा बड़ा ना करना अभी भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमने गूगल फॉर्म फिल कर दिया था हम आज खेल सकते हैं गाइस यार इस तरह थोड़ी होता है मुझे भी मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपने क्या कहते हैं यार ये क्या लिंक दिया हुआ एक्सपायर हुआ है भाई आज क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी थी 11 बजे तक टाइम था मैं एक फेसबुक के वैलोरेंट ग्रुप पे हूं उधर से भी बंदों ने मुझे ढूंढ लिया वाओ वाओ फेमस 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 ओह माय इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो व्हाट टैप योर हैंड्स नोबडी क्लैप देयर हैंड्स वी आर अ सैड जनरेशन भाई साहब मेरा दोस्त आया हुआ चुप करके उधर पीछे बैठा हुआ है ही इज वाचिंग द स्ट्रीम वो कह रहा हाँ होने चाहिए यार होने चाहिए 100 लाइक्स होने चाहिए नहीं अब उसने बोल दिया 100 लाइक्स करो 1000 रुपीस का गिव अवे होगा अगर 100 लाइक्स नहीं रीच हुए तो कैसे गिव अवे होगा और अगर 200 लाइक रीच होगा तो 2000 का गिव अवे करा देंगे लेकिन 300 हो गए तो 3000 वाला गिव अवे होगा अगर चार और इसी तरह ऑन सो ऑन 500 नहीं नहीं ये नहीं है भाई ये नहीं है ये नहीं ये नहीं अरे अल्तमेश वालेकुम अस्सलाम वेलकम टू द स्ट्रीम ज्वाइन किया है आपने बड़ा अच्छा लगा कर दिया भाई लाइक अरे वाली भी लाइक जोड़ के कह रहे कर दिया भाई ने एक ये ले पकड़ ये ले पकड़ लाइक जी ले अपनी जिंदगी जा वैसे शर्मिंदगी का मकाम होगा अगर एटलीस्ट 300 400 लाइक्स नहीं हुए तुम लोग इतना रोना गाना करते हो पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स नहीं होते ई स्पोर्ट्स सीन डेड है फाइनली टूर्नामेंट हो रहा है तो तुम लोग डेड नहीं हो प्लीज टेल अस के यू वांट दिस नहीं नहीं मैं डेड हूं होल्ड ऑन मैं डेड हूं यू गाइस आर थैंकफुल टूर्नामेंट रखा भी आज के दिन है के आज ऑफ है ना हां सब गए ओह स्पेसिफिकली ओ भाई साहब अच्छा टाइम भी ऐसा हो गया यार वैसे अब तो लाइक ज्यादा होने चाहिए आज लोग बहाना बना रहे थे मैच ना खेलने का कि हमारी यूनिवर्सिटी है हमने जाना है कॉलेज जाना है अच्छा यार नेशनल ऑफ है आज पे नेशनल हॉलिडे है लिटरली गवर्नमेंट ने ऑफ दिया है कहां जाना है ओ माय गॉड शयान आ गया गाइस शयान आ गया बेटर देन यू के नाम से मैं कल कीमो लगवा के मैं पूरे 12 घंटे बैठा हूं ये क्वालीफायर्स करवाने के लिए तुम लोग क्यों नहीं अटेंड कर सकते हां बताओ व्हाट इज योर एक्सक्यूज व्हाट इज योर एक्सक्यूज यार अपन शान का मजाक उड़ा रहे हो शर्म नहीं आ रही तुम्हें मुझे आया था किसी का मैसेज शयान बेटा किसी का आया मैसेज है रेहानी हां क्या कहता हां क्या मैसेज आया हम सिल्वर हैं और हमारे अपोनेंट डायमंड हैं ये कैसे फेयर है मैंने कहा अच्छा अगर वो फाइनल्स में मिले तो फिर क्या एक्सक्यूज होगा ये तो किसी टूर्नामेंट में नहीं होता तो एक बोलना चाहिए था दैट साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम दैट साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम अच्छा गेम स्टार्ट हो चुका है फाइनली स्टार्ट हो चुका है हमारे शयान भाई ज्वाइन कर गए हैं शयान भाई इधर आओ वर्सेस एमेथिस्ट लेट्स गो इनको वैसे ही प्राइस पूल दे देते हैं आगे So guys, अब आईना एक आईना दिखाने आ गई अगली टीम को तो लेट्स सी आई हैव हाई होप्स फ्रॉम आईना क्योंकि मुझे बहुत मारती है गेम के अंदर और यार ये कौन है यार एक्चुअली आईना ये फ्रेंड भी है और ये उसके अकाउंट में कोई और फ्रेंड भी है समझ रहे हो ये कुछ अजीब सीन है ये एक अकाउंट है जिसमें दो फ्रेंड खेलते हैं ये फ्रेंड भी है और नहीं भी है ये फ्रेंड भी है नहीं भी है
Aina and Caitlyn, boys, women power. Women power. Let's go. Who is Aina? Top 10 questions that science cannot solve. Who is Aina? Who is Aina? The moral of Arrow Community Cup. Who is Aina? Who is Aina? बंदा लिखता है वैसे ये सारे बायो के स्टूडेंट्स आए हुए हैं टीम के नाम से पता लग रहा है ग्रैंड फाइनल बंदा है आईना प्लीज विन आई डोंट नो यू बट यू आर गर्ल्स ऑफ विन यार ये सही है यार नहीं यार ये नहीं यार ऐसे नहीं किए ये बात गलत होती है नहीं नहीं व्हेन यू यूज 100% ऑफ योर ब्रेन ये गल लो औरत होने के नाते एक मेल डोमिनेटेड स्पेस में आई वुड आल्सो सपोर्ट अ वुमन की यार बेचारी अल्लाह माफ करे मेल डोमिनेटेड ओ माय गॉड ई स्पोर्ट्स इज मेल डोमिनेटेड व्हाट डू यू मीन लाइक द वे यू आर सेइंग दैट मैंने वैसे ही स्काई के टाइगर को आज तक इतना आगे जाते हुए नहीं देखा बहुत स्पीड में भाग गए ये पूरा एम एन क्लियर करा दिया है वैसे हां ये आईना जो है ना यार वैसे इसके पास आर्केन शेरफ है आई लव दैट स्किन मुझे मिली नहीं कभी लेकिन या यार नहीं तो फैन बॉय निकला यस एग्जैक्टली फैन बॉय है वन वी टू भी हो चुकी है और हमें पता भी नहीं चला है स्काई अकेले रह गई है सामने वाली टीम पे और आईना ने स्पाइक की प्लान कर दिया है दोनों टीम्स के नाम क्या है मतलब कौन सी है क्या हाल है मेरे पास वैसे यार बाकी बोलते अंदर से आईना नहीं अनाया तिल्ला निकलेगा तिल्ला ये जियोटिक्स जियोटिक सेव वर्सेस एमेथिस्ट नहीं नहीं इनमें से जियोटिक्स कौन सी है दोनों में से हाँ यार वैसे अभी भी फ्रिस्बी कर सकती है ना स्ट्रीम मिडवे वो डू यू नो नहीं नहीं वो हो सकती हाँ ये भी हो सकता यस बंद हो सकती है हो सकती नहीं हो जाएगी सारी चीजें हम पहले एक दफा कर चुके हैं अरे मैंने वो किया हुआ स्केजल वाले में नहीं होता ये स्केजल वाला इजी सीन रहता दोनों स्काई जो है वो फंस चुके हैं ऐसा किसका डिप होने दोनों देखते हैं कि किसका फ्लैश जो है वो ज्यादा पावरफुल है फिलहाल टाइगर का यूज नजर आ रहा है लेकिन बेटर देन यू की जॉब ये है कि बस साइड को प्रोटेक्ट करना और स्पाइक नहीं प्लांट होने देना है इट इज केटलिन जॉब है वो स्पाइक लेके अंदर जाए व्हिच इज वेरी डेंजरस बहुत मुश्किल साबित हो सकता है कोशिश करें वैसे बेटर देन यू अच्छा जा रहा था सही फ्लैंक दे रहा था Actually better than you. Okay. Aina buff tha tumhare paas. Kaise haar gayi? Sky diff. Yes. Sky diff. Yaar tum ye kal aana to bolna band karo bhai. Are Ani ka pehle hi Indian audience se phada chal raha hai. Hello, kaun tha? Nahi mera koi pata nahi hello. नहीं इंडियन ऑडियंस से नहीं वो एक पाकिस्तानी लड़के से था वही ना डॉगी जो है वो सलाम ओ भाई साहब ओ माय गॉड ओ माय गॉड बेटर देन यू ब्रदर नाम में ही वजन है ओ नो आईना गुस्से में लेकिन अफसोस पीछे देखो यार ओए जासिम तो क्या हरामी ना कर पे कमेंट्री चैट में तुम तो कर नहीं पा रहे हो तो मैंने कहा मैं कर लेता हां ये भी ठीक है तू कर ले मगर यानी कैंसर स्ट्रीम बफर अरे आई नो यार कैंसर बोले हां नहीं स्ट्रीम बफर हो रही है ना ये तो बात है स्ट्रीम बफर कर रही है नाइस एग बाय दिस ग्रैंडपा आगे बफर नहीं करेगी तो पता कैसे लगेगा पाकिस्तानी स्ट्रीम हाँ ना ये भी है
पता नहीं चलेगा ना, लोग समझे कि बाहर से कोई स्ट्रीम कर रहा है, पता लगना चाहिए पाकिस्तान से हूं मैं ब्रदर। रेहानी पाकिस्तान से है, जिसको अगर आईडिया नहीं है ना, रेहानी पाकिस्तान से है। अगर नहीं नहीं यकीन तो स्ट्रीम देखो। नहीं तो ये नहीं यकीन आ रहा, ये देखो ऑल योर्स। ओ स्काई का वन भी। ओ यार वैसे एक बात कहूँ, आईना ने मारना शुरू किया, मुझे समझ नहीं आया आईना के साथ हुआ क्या है। योर्टेक्स ने जो है वो राउंड निकाल लिया, गेम निकाल लिया 4-1 के स्कोर्स के साथ। दे आर आवर सिक्स्थ विनर्स फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। ओ माय, स्काई का बंदा टर्नेशियन टाइगर है, इट इज नॉट अ कुत्ता। हां इट्स अ टास्मेनियन टाइगर। ये कुत्ता है, मैं इसे कुत्ता बोलता हूं। नहीं टर्नेशियन टाइगर है, कुत्ता है। इट्स नॉट टर्नेशियन, इट्स टास्मेनियन। Yeah, but ये कुत्ता है। हाँ पाकिस्तानी इसे कुत्ता बोलते हैं, डॉगी बोलते हैं। डॉगी yeah, I think अरबी लोग भी बोलते हैं, मैंने इनके इतने सारे लोगों से खेला, वो भी डॉगी बोलते हैं। कोई डॉगी बोलता है, nobody calls it a tiger। हाँ कोई भी ये नहीं बोलता भाई अपना टास्मेनियन टाइगर भेजो, मतलब लिजिट वो बोलता है डू योर डॉगी। कौन जीता? ये वाले वो जीते ना, ज़ियोटेक। Next game is between Mortal and Team RX. हाँ और अच्छा अभी तुम लोग मैच ना स्टार्ट करना, आई विल ट्राई टू फिक्स माय नेट के उसका बफर वगैरह सारा फिक्स कर दूं मैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई होपफुली हो जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार बिटरेट बिल्कुल हाई आते हैं और वो फिर ड्रॉप हो जाते हैं। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। My god. Okay, are you guys now there? अभी स्टार्ट नहीं करा, जब मैं कहूँगा तब करना। यार मैं इंटरनेट री करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो अब हमने वो स्केड्यूल वाला नहीं किया तो दूसरी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। अरे कब कह रहे हो, कब पे क्या थॉट्स हैं? स्ट्रीम में से क्लिप नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, ऐसे ये गलत हो जाएगा। कोई बताना चाहेगा एरो कप के बारे में? क्या थॉट्स हैं आपके एरो कप के ऊपर? नहीं टीम में प्लेयर्स कौन कौन से हैं? ये गिवअवे जीतेंगे हैं, स्प्लिट करेंगे आधा आधा। ऐसे अकाउंट से लाइक करिए, लाइक करिए। अबे भाई यो माइक खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है। ओ शिट, ओ नो भाई, 100 लाइक्स हो चुके हैं भाई, 1000 रुपए दो। ओ हो गए, 100 लाइक्स हो गए क्या? तालियां फॉर एरो कम्युनिटी का गाइस, क्या बात है। 102 लाइक्स गाइस, 102 लाइक्स गाइस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। खैर इंस्टेंट रिप्ले कब काम आएगा? ओ ये भी है। प्लेयर्स बता दो अजुकी पहले। Players वगैरह ऐड कर दिया। I am asking a third party, but they are egoing me just like she egoed me. Oh shit. Oh यार इस 1000 wear रेहानी। कर दो भाई, कभी रुक जाओ ना भी यार, इंटरनेट ठीक कर देना। इंटरनेट ठीक नहीं आ रहा गाइस, वो गिवअवे कल होगा। अब आप पागल हो गए ये सोच रहे थे। Where is money? इसकी टीम है मॉडल्स और आरएक्स की टीम है टीम आरएक्स। आई नो इनसेन। अच्छा हां लिखा हुआ है नाम आगे, व्हाट द हेल, सॉरी। हां यस द फ्लोर हियर इज मेड आउट ऑफ फ्लोर। सॉरी यार, स्ट्रीम सही करो यार, आवाम देखना चाह रही है यार, क्या बदतमीजी है। एग्जैक्टली मैं भी देख रहा हूं। अरे क्या कहते हैं, लिसन एक सेकंड।
ओके लेट्स हां हां ऑन ऑन सब हो गया तो अभी यार ये जरा मुझे बताना ये आखिरी टीम है नहीं नहीं इसके बाद एक है इसके बाद एक है सो दिस इज नहीं हां एक और सो दिस इज सेकंड लास्ट टीम सेकंड लास्ट मैच किन-किन के दरमियान में हो रहा है ये हो रहा है मॉर्टल और आरएक्स मॉर्टल और आरएक्स लड़कों ने बड़ा चूज किया ना दोनों ने क्या लेकिन रारा प्लेस को शक हो रहा है कि वाइन पे शायद एक बंदा हो तो पीछे से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त चाहे तो ये आराम से ले सकते हैं लेकिन ट्रिगर डिसिप्लिन नजर आ रहा है विच इज अ गुड डिसीजन वेरी गुड डिसीजन एक्चुअली ओ चेंबर चेंबर नो ओह यस आल्सो टेक द सेकंड गेम क्योंकि मुझे लग रहा है इनको अपने एम पे कॉन्फिडेंस है And very good, insane play by Polaris, but that was probably one of the biggest whiffs I've seen in my life. काफी अच्छी recovery की थी Polaris ने great play from him 2K ले लिया है 2 हो चुका है RX की इस वक्त lead नजर आ रही है. Meanwhile, Jasmine. Successfully. Mission drilled successfully. I think ये हमारे ये जो इस side पे chamber है ना बहुत प्यारा खेल रहा. Never, never mind. Never, never. Jinx. I'm sorry. Four bullets.